अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर फ्रॉम के डी कैंपस। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज़ आवर इंग्लिश वर्क बुक। ये हमारी कौन सी बुक है? इंग्लिश वर्क बुक। नाउ ओपन इट। तो स्टूडेंट्स, सब बच्चे ये वाला पेज ओपन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर पेज। सब बच्चों ने पेज ओपन कर लिए। अब ये देखें ये क्या लिखा हुआ है। ग, व्हाट इज इट साउंड? ग, ठीक है। सब बच्चे मेरे साथ रीडिंग करेंगे। व्हाट इज इट साउंड? ग। हमने टीचर ने आपको यहाँ से इसकी साउंड बताई है। अब हम सबसे पहले सॉफ्ट बोर्ड से रीडिंग करेंगे। नाउ लुक एट द सॉफ्ट बोर्ड। तो बच्चों, अब हम सॉफ्ट बोर्ड की तरफ देख रहे हैं। आपको ग के फ्लैश कार्ड नज़र आ रही है। ये हमारे क्या है? फ्लैश कार्ड्स, ठीक है। सबसे पहले क्या बना हुआ है? ग्लास। क्या बना हुआ है? ग्लास। ग्लास की स्पीकिंग साउंड क्या लिखी हुई है? ग। वेरी गुड। अभी टीचर ने बुक से आपको दिखाया ना, इसकी साउंड क्या थी? ग। व्हाट इज इट साउंड? ग। ग ग्लास, ग ग्लास, ग ग्लास। अब दूसरी पिक्चर देखें। दूसरी पिक्चर क्या है? ग्रेप्स। क्या है दूसरी पिक्चर? ग्रेप्स, ठीक है। ग्रेप्स की भी बिगनिंग साउंड क्या है? ग। ग्रेप्स की बिगनिंग साउंड क्या है? ग। ग ग्रेप्स, ग ग्रेप्स, ग ग्रेप्स। अब अगली पिक्चर देखते हैं। अगली पिक्चर क्या है? ग्लासेस। वेरी गुड। क्या है? ग ग्लासेस। इसकी भी बिगनिंग साउंड पे देखें, छोटा सा ग लिखा है ना। ग ग्लासेस, ग ग्लासेस। अब नेक्स्ट पिक्चर क्या है? जी ग्लव्स हैं ये, ठीक है। सर्दियों में पहनते ना सब बच्चे ग्लव्स, तो ये हैं ग्लव्स, ग ग्लव्स। इसकी भी बिगनिंग साउंड पे ग लिखा हुआ है। ग ग्लव्स, ग ग्लव्स। तो अब हम दोबारा से एक दफ़ा टीचर के साथ रीडिंग करेंगे सब बच्चे। ग ग्लास, ग ग्लास, ग ग्रेप्स, ग ग्रेप्स, ग ग्लासेस। ये ग्लासेस हैं, सबसे ऊपर ग्लास है और ये थर्ड वाला जो पिक्चर है जिस पर टीचर ने रीडिंग पॉइंटर रखा हुआ है, ये क्या है? ग्लासेस, ग ग्लासेस। अब नेक्स्ट पिक्चर क्या है? ग ग्लव्स, ग ग्लव्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू योर बुक। अब हम अपनी बुक से रीडिंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये देखें, अब हम इस पेज पे, आपने ये पेज ओपन किया हुआ था ना, हमने सॉफ्ट बोर्ड से रीडिंग कर ली। अब हम बुक से रीडिंग करेंगे। आपने ये पेज ओपन किया। व्हाट इज इट साउंड? ग। व्हाट इज इट साउंड? ग। नाउ सबसे पहले हम इस पेज पे आइकन्स रीड करेंगे। फर्स्ट आइकन है हमारा रीड आइकन। फर्स्ट आइकन इज रीड। ये देखें, ये छोटी सी बुक बनी हुई है ना, जहाँ पे ये वाला आइकन होता है। ये देखें, ये वाला आइकन और ये वाला आइकन सेम है ना, तो दिस आइकन इज रीड आइकन। कौन सा आइकन है? रीड आइकन। इस पेज पे हमने रीडिंग करनी है। सेकंड आइकन है हमारा ट्रेस आइकन। ये कौन सा आइकन है हमारा? ट्रेस आइकन। कौन सा आइकन है? ट्रेस। ट्रेस का मतलब है आपने ये डॉट्स के ऊपर ऊपर ट्रेसिंग करनी है। डॉट्स के ऊपर ऊपर आप सबने प्यारी प्यारी ट्रेसिंग करनी है। सेकंड आइकन था ट्रेस आइकन। अब हमारा थर्ड आइकन है, अब हमारा थर्ड आइकन क्या है? कलर आइकन। देखिए ऊपर छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, उसमें थोड़े थोड़े जगह पे कलर हुए हैं। जहाँ पे ये वाला आइकन होगा तो इसका मतलब है कलर आइकन। विच आइकन इज दिस? कलर आइकन, ठीक है। कलर आइकन मीन्स आपने इस पेज पे पिक्चर्स में प्यारे प्यारे कलर करने हैं। नाउ रीड द कैप्शन। रीड ट्रेस एंड कलर। रीड ट्रेस एंड कलर। आपने इस फुल पेज की रीडिंग करनी है। इस होलो लेटर के अंदर 5 to 6 टाइम ट्रेसिंग करनी है और इन पिक्चर्स में प्यारे प्यारे कलर करने हैं। कलर पता है ना सब बच्चों को, क्रेयॉन्स के साथ करेंगे। नाउ रीड इट। व्हाट इज इट साउंड? ग। ग ग्रेप्स, ग ग्रेप्स, ग ग्रेप्स। आपने पढ़ा था ना सॉफ्ट बोर्ड से भी। ग ग्लासेस, ग ग्लासेस,
ग्लासेस देखे, छोटा सा ग लिखा हुआ स्टार्ट, बिगनिंग साउंड क्या है ग, ग्लव्स ग्लव्स की बिगनिंग साउंड क्या है ग, ग्लव्स की बिगनिंग साउंड क्या है ग। अब ये क्या है ग्लास, ग ग्लास, ग ग्लास, ग्लास की बिगनिंग साउंड क्या है ग। वेरी गुड, एक दफा टीचर के साथ फिर रीडिंग करें, ग ग्रेप्स, ग ग्लासेस, ग ग्लव्स, ग ग्लास। ठीक है, अब टीचर आपको ग लिखना बताएंगी, ये जो होलो लेटर है अब टीचर कहें बताएंगी कि आपने होलो लेटर कैसे लिखना है। आपने पुट योर पेंसिल ऑन द डॉट, बिग डॉट नज़र आ रहा है ना, ये अपनी पेंसिल आपने इधर रखनी है। स्टार्ट फ्रॉम द बिग डॉट, फॉलो द एरो, फॉलो द एरो एंड फॉलो द एरो एंड मेक ग। ठीक है, सब बच्चों ने ऐसे ही प्यारा प्यारा बाहर नहीं निकालना, पुट योर पेंसिल हेयर। तो सब बच्चों ने अपनी पेंसिल बिग डॉट पे रखनी है। ग इज मेक अ ख, आपने ये देखा ख बनाया टीचर ने, आपने पेंसिल नहीं उठानी, एक ही गो में लिखना है, मेक अ ख, गो अप, कम डाउन एंड डाउन, टर्न अ लिटल, मेक अ ख, गो अप, कम डाउन एंड डाउन, टर्न अ लिटल। ठीक है, सब बच्चों ने ग ऐसे प्यारा सा लिखना है, एक ही दफ़ा में पेंसिल उठानी नहीं है, बीच में एक ही दफ़ा में पूरी पेंसिल फेर के ग एक दफ़ा में लिखना है। ठीक है, व्हाट इज इट साउंड ग। अब आप सब ने इन पिक्चर्स में प्यारे प्यारे कलर करने हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए, नेक्स्ट पेज पे भी आपको ये लेटर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये भी क्या लिखा हुआ है ग। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द आइकन्स, आइकन्स देखेंगे, ट्रेस, ये कौन सा आइकन है, ट्रेस आइकन, ये देखें, विच आइकन इज दिस, ट्रेस आइकन, विच आइकन इज दिस, ट्रेस आइकन। ट्रेस आइकन मीन्स पता चल गया ना ट्रेस का, कि आपने डॉट के ऊपर ऊपर ट्रेसिंग करनी है। सेकेंड आइकन है हमारा कलर आइकन, देखें ऊपर सेकेंड क्या है, कलर आइकन, तो ये हमारा कौन सा आइकन है, कलर आइकन, विच आइकन इज दिस, कलर आइकन। अब थर्ड आइकन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, मैच आइकन, ये देखें, डॉट को डॉट के साथ मिलाया हुआ है ना, तो ये हमारा कौन सा आइकन है, मैच आइकन, विच आइकन इज दिस, मैच आइकन। आपने इस पेज पे भी तीन काम करने हैं, मैच द ग थिंग्स, मैच द ग थिंग्स, आपने इस ग में 5 to 6 टाइम ट्रेसिंग करनी है। ठीक है, और ग को उसकी पिक्चर्स ढूंढ के जिसकी बिगनिंग साउंड ग से स्टार्ट हो रही है उसको मैच करना है, और इन पिक्चर्स में प्यारे प्यारे कलर करने हैं। नाउ स्टार्ट आवर वर्क। सबसे पहले आपने इसी तरह यहाँ पे भी बिग डॉट पे पेंसिल रखनी है, मेक अ ख, गो अप, कम डाउन एंड डाउन, टर्न अ लिटल, आपने इसी तरह ग लिखना है। ग लिखने के बाद आप देखें ये डॉटेड लाइन लगी है, ग गावा, ये देखें ये क्या है, गावा, क्या बना हुआ है, गावा, गावा किसको कहते हैं, अमरूद को, गावा जो है, तो बच्चों ये देखें ये क्या है, गावा, गावा की बिगनिंग साउंड क्या है ग, तो इसलिए हमने डॉट्स के ऊपर लाइन लगा के इसको मैच कर दिया, ग गावा। अब देखें ये सबसे पहले कौन सी पिक्चर है ऊपर, ग्लासेस, ग ग्लासेस, आपने ग को ग्लासेस से भी मैच कर देना है। ये क्या बना हुआ है, कीड़ा है, वेरी गुड, इसका नाम है ग्रास होपर, ग्रास होपर, इसकी भी बिगनिंग साउंड देखें, ग लिखा हुआ है ना, तो आप ग को ग्रास होपर से मैच कर देंगे। ग खोन, ग खोन, इसका बिगनिंग साउंड इज ग, नो, ये तो ख लिखा हुआ है तो इसको हम छोड़ देंगे। ग गिफ्ट, ग गिफ्ट,
गिफ्ट की भी बिगनिंग साउंड क्या है? ग। ग गिफ्ट। ग को हम गिफ्ट से मैच कर देंगे। ग फिश। ग फिश इज द बिगनिंग साउंड इज ग। नो देन लीव इट। आपने सिर्फ इस पेज पे ग्रास होपर, ग्लासेस, गवा और गिफ्ट के साथ मैच करना है। सब बच्चों ने अच्छा सा काम करना है। अब आपको टीचर कॉपी वर्क बताएंगी कि आपने कॉपी पे किस तरह काम करना है। ना ओपन योर नोटबुक, अपनी कॉपी खोलेंगे आप लोग। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये आपकी क्या है? नोटबुक। सब बच्चों के पास ऐसी नोटबुक है ना? चलें अब हम इसको खोलेंगे। ना ओपन इट। सब बच्चों ने ये वाला पेज ओपन करना है जिसपे ग लिखा हुआ है, ठीक है? आपने ये ग वाला पेज ओपन करना है। इसी तरह टीचर ने आपके ऊपर पेस्टिंग की हुई, आपने इसको फाड़ना बिल्कुल नहीं है। इन होलो लेटर्स के अंदर आपने 5 to 6 टाइम ट्रेसिंग करनी है। टीचर ने आपको ट्रेसिंग बताई है ना, एक ही बार में आपने ग लिखना है। मेक अ ख, गो अप, कम डाउन, एंड डाउन, टर्न अ लिटल, ठीक है? सब बच्चों ने ऐसे ग प्यारा प्यारा लिखना है। फिर नीचे टीचर ने भी लिखा हुआ ग, तो आपने हर ब्लॉक में ग लिखना है। ये आपका एक ब्लॉक है, उसके अंदर आपने पहले ख बनाना है, ऊपर जाना है, फिर नीचे वन की तरह आएंगे और थोड़ा सा टर्न कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ग। आपने एक ही बार में लिखना है, ख बनाना है, ख को ऊपर जाना है, पेंसिल नहीं उठानी, वन बना के नीचे आएंगे और थोड़ा सा टर्न कर देंगे, ठीक है? सब बच्चों ने ग ऐसे लिखना है। मेक अ ख, गो डाउन, ठीक है? गो अप, कम डाउन, टर्न अ लिटल। देखें सब बच्चों ने ऐसे बहुत प्यारा प्यारा, मेक अ ख, गो अप, कम डाउन, टर्न अ लिटल, आप सब ने बहुत प्यारा प्यारा ये काम करना है। आपने ग लिखना है, इसी तरह आपने फुल पेज पे ग को लिखना है। जब आप ट्रेसिंग कर लेंगे 5 to 7 टाइम, तो आपको ग लिखना आ जाएगा, तो आप नीचे खुद से लिख सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज का आपका इतना ही काम है। अल्लाह हाफिज़।